हेलो फ्रेंड्स, तो मैं प्रेरणा आज एक बार फिर से आप सबके बीच में अपनी एक नई कविता के साथ आई हूँ। तो मेरी जो कविता है पापा के लिए, मेरे फादर्स डे पे है, क्योंकि मेरे हर मुश्किल समय में, मेरे हर कठिन परिस्थितियों में अगर कोई हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा तो वो सिर्फ मेरे पापा थे। तो बस उनके लिए एक छोटा सा प्यार और एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है और उम्मीद है कि आप सबको भी बहुत पसंद आएगी। तो मेरी कविता कुछ इस तरह है। ओ खुदा, आज तुझसे एक मुलाकात करनी है। ओ खुदा, आज तुझसे एक मुलाकात करनी है। अगर तू इजाज़त दे तो मुझे तुझसे दिल की एक फरियाद करनी है। सुना है इन हाथों की लकीरों में हमारा नसीब तो लिखता है। सुना है इन हाथों की लकीरों में हमारा नसीब तू लिखता है। अगर अनजाने में कभी कोई खता हुई हो मुझसे तो माफ़ करना। मेरा बचपना मानकर मेरी नासमझियों को नज़रअंदाज करना। बस मेरी एक छोटी सी फरियाद स्वीकार करना। मैं हर जन्म में मेरे ही पिता की बेटी बनूं। बस मेरे हाथों की लकीरों में हर जन्म में मेरे ही पिता का नाम लिखना। मैं तुम्हें अपना आदर्श कहूँ या मेरा पहला प्यार। मैं तुम्हें अपना आदर्श कहूँ या मेरा पहला प्यार। मैं तुम्हें मेरी हर तकलीफ़ों का दवा समझूं या मेरी उलझनों के वक्त का सुकून। मैं तुम्हें मेरे कठिन समय में लड़खड़ाते हुए पैरों को संभालने वाला आत्मविश्वास कहूँ या फिर मेरा मार्गदर्शन करने वाला सारथी। खुद के जीवन का ख्याल ना करते हुए तुमने मेरे सपनों को पंख लगाया। इस झूठ और तमाशों भरी दुनिया में इकलौते सच्चे सारथी होने का फ़र्ज निभाया। मेरी ज़िंदगी में हर तूफान का कवच बने तुम। तुम्हारा ख्याल भर छोड़ना मतलब मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाना। हाँ, अब दरिया में भी गोती लगाना सीख गई हूँ मैं, लेकिन अभी मुझसे तुम्हारे साथ लहरों से लेकर किनारों तक का सफ़र तय करना है। तुम्हारे मार्गदर्शन के सहारे कुछ कर गुजरना है। ओ खुदा, मेरे फरियाद का कुछ ऐसा असर दिखाना कि हर जन्म में मेरे पिता की लकीरों में मेरा और मेरी लकीरों में सिर्फ मेरे पिता का ही नाम लिखना। आज की मुलाकात में फरियाद बस इतनी करनी है। आज की मुलाकात में फरियाद बस इतनी करनी है। मेरी धड़कनें चले ना चले, ये सांसें चले ना या थम जाएं, बस हमारी कहानी को जन्मों जन्मों तक जारी रखना। मुझे सिर्फ मेरे पिता की राजकुमारी रखना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है आप सबको मेरी कविता